कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई कारगर समाधान नहीं है। प्रदेश सरकार को कोरोना पर नियंत्रित करने के लिए केवल लॉकडाउन ही एक विकल्प नजर आ रहा है, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बाजारों में भीड़ कम हो, लोग एक दूसरे के संपर्क में कम आए और कोरोना संक्रमण जिला में फैलने से थम जाए। इसलिए अभी प्रदेश की जयराम सरकार ने निर्णय लिया है कि वह शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखेंगे, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इन आदेशों पर शहरवासियों ने कई सवाल उठाए हैं और कहा है कि इन आदेशों में सुधार की आवश्यकता है, अन्यथा इस प्रबंधन से कोरोना संक्रमण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शनिवार और रविवार को सब्जियों, दवाइयों और राशन की दुकानें खुली रहेंगी, साथ में रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति घर पर नहीं बैठेगा और बाजार में स्थिति जैसे की तैसे बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए था कि वह पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाता और दुकानें खोलने का समय 8 बजे से 11 बजे तक रखता, तो इससे स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन जो व्यवस्था अब सरकार द्वारा की गई है, इससे कोई खासा असर पड़ने वाला नहीं है। जयराम सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाया, सैटरडे संडे, इसका क्या बेनिफिट होगा? 2 दिन में कोरोना रुक जाएगा जब हफ्ते में 5 दिन मार्केट खुली है, इंटरस्टेट बसें खुली हैं, बॉर्डर्स हमारे खुले हैं, सिर्फ 2 दिन के कर्फ्यू से यहाँ कोरोना रुक जाएगा। और उसमें भी इन्होंने ऐसा किया है कि शॉप्स खुली रहेंगे पूरे दिन, लोग तो आएंगे फिर भी, या तो इनको कुछ टाइमिंग बनानी चाहिए, सुबह 10 से 1 बजे तक शॉप्स खुली रहेंगी। केमिस्ट की मैं मानता हूँ कि ज़रूरी है, पर ये जरूरी इंसेंशियल नीड्स नहीं, खुल सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए होनी चाहिए। नहीं, वो तो जैसे दूध ब्रेड है वो तो हम सुबह ही लेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को 8 से 11 तक खुला रखना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर लॉकडाउन लगा देना चाहिए। अगर आप पूरे दिन इनकी शॉप्स खुली रखेंगे लोग तो चलते रहेंगे, उससे कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। पर मैं तो जयराम सरकार जी को यही बोलना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन बजाने के बजाय इंटरस्टेट सब कुछ बंद कर दिया जाए, बाउंड्रीज हमारी बंद होनी चाहिए। अगर बाउंड्रीज बंद होगी तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। अभी हिमाचल में थोड़े लो स्तर पर है बीमारी, अगर बॉर्डर नहीं बंद हुए तो ये बीमारी बहुत उससे फैल जाएगी। मेरा अपना पर्सनल फीलिंग है, और मैं तो बल्कि पहले से ही कह रहा था कि ये गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम पहले कर देना चाहिए था। ऑलरेडी आप थोड़ा लेट हो गए हैं। आपको ये नहीं है कि जब आपके सिर पे पहाड़ टूट जाए, पानी सिर के ऊपर से निकल जाए, तब आप उसका इलाज ढूंढो। नो, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि दे शुड रूल डू इट पहले, ताकि आप पहले तैयार रहें। सबसे पहली बात तो मैं एक बात ये कहूँगा कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं, मार्केट में बैठे हम देखते हैं लोग बिना मास्क के भी चले हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का वो फायदा, और ये हमारे कहने से नहीं होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन के करने से होगा। देखिए, ये शॉप्स तो अगर बहुत ही नेसेसिटी है, मेडिकल शॉप्स आप खोल दीजिए, और 2 दिन के लिए तो सारे ही अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। एक दूध की दुकान जरूर चाहिए, क्योंकि दूध सब कुछ खुल, दूध और ब्रेड, बाकी आई हैव अ फीलिंग के सारे मैनेज कर सकते हैं 2 दिन के लिए। इट शुड बी कंप्लीट लॉकडाउन, आपकी कोई 3-व्हीलर नहीं चलने चाहिए, सब कुछ बंद होना चाहिए। चीज का अगर सरकार 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बता रही है कि लॉकडाउन रहेगा, तो हर व्यक्ति को मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन का सब्जी का है या राशन का है, वो सब उसे घर ले जाकर रख देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन सबकी भलाई के लिए ही लग रहा है। अगर लॉकडाउन का पता है हमें, हम फिर भी उसी दिन लॉकडाउन के दिन ही हम ज़रूरत की चीज़ें लेने बाहर जाते हैं, तो फिर किस चीज़ का लॉकडाउन है? लॉकडाउन का मतलब ही ये है कि सब एकदम बिल्कुल लॉक होकर घर में रहें। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर लोग जाते रहेंगे कि अब मेरे घर में आज दूध ख़त्म है, मेरे घर में पनीर ख़त्म है, मेरे घर में सब्जी ख़त्म है, तो फिर किस चीज़ का लॉकडाउन है? सरकार को हर चीज़ बंद करके सिर्फ केमिस्ट शॉप्स, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ही ओपन रखने चाहिए मेरे हिसाब से, तभी इसके लिए हम कुछ ना कुछ आगे केसेस में कुछ ना कुछ स्थिति अलग बदल सकती है। देखिए, ये हम नहीं बता सकते कि कोरोना 2 दिन से जाएगा या और आएगा,
लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि दो दिन बाजार बंद होने से, शहर बंद होने से ये हमें जरूर पता चल सकता है कि दो दिन में कितने केसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इससे सरकार को भी आसानी रहेगी कि आगे क्या फैसला लेना चाहिए हमें या नहीं लेना चाहिए। हमें शहर बंद रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, स्कूल बंद रखने चाहिए, इस चीज़ से सब कुछ पता लग जाएगा। दो दिन में सरकार को कुछ तो हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, मेरा ये कहना है।